आप अपनी कार यहाँ किसी भी पॉइंट पे लेके नहीं जा सकते। सो गाइस, ये था क्रिस्ट चर्च। यहाँ पे इसके अंदर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। यहाँ से आप जा सकते हो गिल्बर्ट ट्रेल। देखो अभी कितनी धूप थी और अभी एकदम से हवा चल गई और बादल हो गए। सो अभी यहाँ से हम लोग फ्रूट बर्फी लेने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख रहे हो एक्सप्लोर विद अंशु। और ये देखो आज सुबह का व्यू क्या बढ़िया लग रहा है ना, इतनी शांति है, बहुत ज़्यादा मज़े आ गए। सो गाइज अभी हम निकलेंगे, रेडी वेडी होते हैं, फिर आपको कसौली घुमाते हैं, दो तीन पॉइंट से वो एक्सप्लोर करेंगे। सो हम लोग रेडी हो गए और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सो हमें इन्होंने बताया कि आप अपनी कार यहाँ किसी भी पॉइंट पे लेके नहीं जा सकते हैं, आपको पार्किंग में पार्क करनी पड़ेगी बस स्टैंड के पास। उसके बाद फिर आप वहाँ से लोकल टैक्सी लेंगे, उसके बाद सारे पॉइंट्स आप कसौली में घूम सकते हैं। सो सबसे पहले हम जाएंगे चर्च, उसके बाद हम जाएंगे मंकी पॉइंट, फिर जाएंगे हम सनसेट पे। सो मंकी पॉइंट पे आपको अलाउड नहीं है कैमरा, सो हमारे कैमरे सबमिट हो जाएंगे। तो बाकी मैं आपको देखती हूँ, दिखाती हूँ कितना मैं दिखा सकती हूँ। सो चले स्टार्ट। चले बेटा घूमे, चले कहाँ जा रहे हैं बताओ, कहाँ जा रहे हैं? माउंटेन पे, पार्क में। सो गाइज हम पहुंच गए हैं पार्किंग में। सो अब इस पार्किंग में हमने अपनी कार खड़ी की है और ये इस तरह से उन्होंने पार्किंग बनाई है। तो अभी हम ये सामने हमें चर्च दिख रहा है, सबसे पहले हम चर्च घूमेंगे। ये कसौली का बहुत ही मेन पॉइंट है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, पार्किंग के बिल्कुल ही पास में है। उसके बाद हम आगे लोकल टैक्सी लेके जाएंगे। चलो तो गाइज लिखा है कि कंटोनमेंट बोर्ड कसौली, यहाँ से व्हीकल्स अलाउड नहीं है टूरिस्ट वाली। इसके आगे आपको लोकल टैक्सी घूमनी। सो गाइज ये एक पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग है और इस बोर्ड के आगे फिर आपको यहाँ से पैदल जाना है चर्च में और यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हैं आगे घूमने के लिए। सबसे पहले हम जा रहे हैं चर्च। सो गाइज ये है चर्च, क्रिस्ट चर्च कसौली, एस्टैब्लिश्ड इन 1844। सो ये यहाँ पे इन्होंने सनडायल लगाया है, सनसेट टाइम दिखाता है। और ये है चर्च, सो काफी पुराना बना है और बारिश वारिश के कारण यहाँ पे थोड़ा ये जो इनकी ईंटें हैं थोड़ी ब्लैक ब्लैक भी हो गई हैं। सो गाइस ये एंट्री और गाइज अभी हम अंदर होकर आए और आपको दिखाया हमने कि कैसा बना है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पीसफुल है काफ़ी, तो आना ज़रूर चाहिए। ये सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, काफ़ी लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं। आज एक्चुअली सैटरडे है तो काफ़ी टूरिस्ट आ गए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, क्योंकि ये वीकेंड टूर है कसौली का और दो दिन में आप आराम से घूम सकते हैं सब। सो गाइज ये था क्रिस्ट चर्च यहाँ पे और ये सबसे ज़्यादा पुराना ओल्डेस्ट चर्च है हिमाचल प्रदेश का। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो सनडायल है जो मैंने आपको दिखाया, वो बिकॉज वो अभी भी एक्यूरेट टाइम दिखाता है ऐसा माना जाता है। और अगर आपको ये विज़िट करना है तो इसकी एंट्री फ्री है और आप ये ओपन होता है 7 AM से 7 PM तक। और बेस्ट टाइम अगर देखना है आपको समर्स में, अप्रैल मई जून अगर आपको आना है, प्लस अगर स्नोफॉल एक्सपीरियंस करनी है तो आपको जनवरी का मंथ सबसे बेस्ट है। तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कसौली में। सो गाइस अब हम यहाँ से टैक्सी ले रहे हैं, ये टैक्सी वाले खड़े हैं काफ़ी ज़्यादा, और मंकी पॉइंट पे लेके जाएंगे सबसे पहले हम।
ये है रास्ता जहाँ से हमें आगे जाना है, और यहाँ से आप व्यू देखो, इतना पीसफुल हिल स्टेशन है ना कसौली। छोटा सा हिल स्टेशन है बट बहुत ज़्यादा पीसफुल है। कसौली पूरा हेरिटेज हिल स्टेशन है। सारी जो बिल्डिंग्स आपको यहाँ पे दिखेंगी वो पूरे हेरिटेज वाली दिखेंगी, और ब्रिटिश के टाइम पे सारी बनी हुई है। और अभी हमने टैक्सी की है इनोवा 7 सीटर, और वो हमें लेके जाएगी, सारे पॉइंट्स घुमाएगी। उसने हमसे 1200 रुपये लिए हैं, तो हम 5 लोग हैं, तो चलते हैं आगे। चलो आगे हमारी कार, ज़ाइलो कार भेजिए, चलो बैठते हैं। सो गाइज हम पहुंच गए, ये है एयरफोर्स स्टेशन कसौली, और यहीं से एंट्री है मंकी पॉइंट की। सो गाइज ये एक पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मंकी पॉइंट, जहां आप विजिट कर सकते हैं। यहां पे हनुमान मंदिर भी है, बट यहां पे क्या है ना, ये एयरफोर्स स्टेशन है तो इसके अंदर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। कैमरा फ़ोन वगैरह सब कोई आपका सबमिट हो जाएगा यहीं पर एयरफोर्स स्टेशन पर, और यहाँ से आपको पैदल जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप वहाँ पे मंदिर विज़िट कर सकते हो, थोड़ा सा ही ऊपर है। सो अभी चलते हैं, फिर वापस आके फिर मैं आपको बताऊँगी कि वहाँ पे हमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा, और किस तरह का व्यू था। सो गाइज ये था मंकी पॉइंट, और यहाँ पे बैग्स कैमरे फ़ोन सब सबमिट हो जाता है। तो अभी हमें फ़ोन मिला है, हम वहाँ से वापस आए हैं, और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है, और मैं आपको इसकी एक फ़ोटो ज़रूर डाल दूँगी। और यहाँ पे इसकी एंट्री फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। प्लस आपको अगर आना है तो टैक्सी भी बाहर ही खड़ी होती है, और सामान आप टैक्सी में भी छोड़ सकते हैं, या फिर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं सामान। तो हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे आगे चल जाना ना, फिर वहाँ पे हवा घर आएगा आपको ना, वहाँ से लेफ्ट ले लेना, वहाँ से लवर्स पॉइंट है सर, और नीचे वो सर के सर वो सुसाइड पॉइंट है। कितना दूर है यहाँ से चल रहे हैं ना? 5 मिनट ऊपर ही जाना है। सो गाइज ये पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने हमें छोड़ा है, यहाँ पे टैक्सी खड़ी है हमारी इधर ही, और यहाँ से अब हमें ऊपर की तरफ जाना है इस ट्रेल पे, और यहीं से आगे जाके गिल्बर्ट ट्रेल आता है, जो 1 किलोमीटर से आप अगर आपको जाना है तो आगे भी निकल सकते हो नेचर वॉक करने। और यहीं से सनसेट पॉइंट है, सुसाइड पॉइंट है, लवर्स पॉइंट है, तो 3-4 पॉइंट्स इन्होंने हमें बताए हैं। तो अभी यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, और आप व्यू देखो, दो रास्ते हैं यहाँ से, एक ये वाला है स्क्विरल देखो, और दूसरा इस साइड पे है। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पे लिखा है गिल्बर्ट ट्रेल नेचर वॉक, यहाँ से आप जा सकते हो गिल्बर्ट ट्रेल इस साइड पे नेचर वॉक करने। चलो पहले इस साइड जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो ये है गिल्बर्ट ट्रेल का रास्ता जो आप देख रहे हो ऊपर पूरा, ये है आगे तक जाता है 1.5-2 किलोमीटर। यहाँ से व्यू देखो। सो गाइज ये था गिल्बर्ट ट्रेल का रास्ता, यहाँ से जिसको ट्रैक करना है वो जा सकता है। और अभी हम जा रहे हैं इस साइड पे सनसेट व्यू पॉइंट देखने। सो गाइज व्यू देखो यहाँ से कितना बढ़िया लग रहा है। ये उधर वहाँ पे जो दूर आपको व्यू दिख रहा है, एक्चुअली दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत धुंध हो रही है, बादल भी हो रहे हैं। सो ये पूरा बद्दी एरिया है, और यहाँ पे इस ट्रेल पे हमें सीधा जाना है उधर, वहाँ कहीं सनसेट पॉइंट है। और आप इस साइड देखो कैसे बादल आ गए हैं, शिमला की साइड ऊपर का तो मौसम ही बदल गया, पूरा बारिश होने वाली है वहाँ पे। सो गाइज ये
यहाँ जो ये जो आपको ट्रेल दिख रही है पूरी, ये है गिल्बर्ट ट्रेल। और गाइस हम पहुंच गए हैं सनसेट पॉइंट। सो यहाँ पे छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क भी बनाया हुआ उन्होंने बच्चों के लिए, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आगे व्यू हमें अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे लिखा है यू आर एट 60 100 feet। विवान क्या कर रहे हो? विवान झूला झूल रहा है। तो गाइज ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है सनसेट व्यू पॉइंट, और यहाँ से अभी पूरा सनसेट दिखेगा। बट आज बहुत ज़्यादा धुंध है और बादल भी हैं, तो आज तो हम क्लियर सनसेट की फ़ोटो नहीं आ पाएगी, इसलिए हम लोग यहाँ से अभी आगे जा रहे हैं मॉल रोड की साइड, लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट वो भी देखते हैं कि कहाँ पर है। तो गाइज ये वाला जो रास्ता जाता है, ये जाता है आपका सुसाइड पॉइंट और लवर्स पॉइंट पे। सो अभी हम गए थे उधर के रूट पे, और इस साइड अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो गिल्बर्ट ट्रेल आती है। तो यही 3-4 पॉइंट्स है कसौली में। सो गाइज यही था कसौली में, और अभी हम जा रहे हैं सीधा मॉल रोड। सो यही 3-4 पॉइंट के लिए उन्होंने लिए हमसे 1200 रुपये टैक्सी ने। सो अगर आपको टेम्पल नहीं जाना तो आप सीधा मॉल रोड से भी आ सकते हैं सनसेट पॉइंट तक, वो भी कनेक्ट करते हैं। तो अभी चलते हैं मॉल रोड और थोड़ा वहाँ घूमते हैं, उसके बाद कुछ खा के फिर निकलेंगे आगे। ये वाला रूट देखो कितना बढ़िया है, पूरी नेचर वॉक तो यहीं पर हो रही है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़ है इतने बड़े। वो कहते हैं ना कि पहाड़ों पर मौसम का कुछ नहीं पता होता, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। देखो अभी कितनी धूप थी, और अभी एकदम से हवा चल गई और बादल हो गए और बारिश के पूरे मौसम आसार हो गए। अभी देखो ऊपर की साइड, यहाँ पे देखो ऊपर पूरे बादल हो गए शिमला साइड, और वहाँ पे फुल ऑन बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे। और अभी थोड़ी देर में हवा चल गई, यहाँ पे भी आने वाली है कसौली में। सो हम लोग वापस आ गए मॉल रोड, और ये यहाँ पे पूरा मार्केट एरिया है, ये खाने पीने के कैफेज वगैरह है। सो गाइस मैंने इससे पहले वाली वीडियो में रात को जब हम पहुँचे थे तो हमने उन्हें मॉल रोड वाली वीडियो डाली थी, वो आप जाके देख सकते हैं। और ये बस कुछ नहीं, छोटी सी मार्केट बनी हुई है। हम मॉल रोड तो ज़्यादा बड़ी है नहीं यहाँ की। सो गाइस ये है हेरिटेज मार्केट कसौली की, बेसिकली यही है एक छोटी सी मॉल रोड। ये छोटी छोटी शॉप्स हैं यहाँ पे, ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी मार्केट है, और अच्छे अच्छे कैफेज भी हैं यहाँ। सो अभी यहाँ से हम लोग फ्रूट बर्फी लेने वाले हैं, काफी अच्छी अच्छी बर्फी मिलती है यहाँ। स्ट्रॉबेरी चाहिए, एक पाइनएप्पल और दो
स्ट्रॉबेरी पाइनएप्पल, गुआवा बर्फी, फ्रूट बर्फी, पाइनएप्पल बर्फी। सो गाइज, ये था कसौली का व्लॉग और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं हम नए व्लॉग में। सभी यहाँ से हम कल जाएंगे चैल की तरफ, फिर वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए, तब तक के लिए सी यू।